बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सहर हारून किचन। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बहुत सिंपल सी डिश बनाने जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और टेस्टी होती है ये। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कचुम्बर सलाद। तो यहाँ मैंने इसके लिए एक टमाटर, एक प्याज, एक खीरा, हरा धनिया, हरी मिर्च ली हैं। और इसके अलावा भी आप अगर कोई भी इसमें अपनी वेजीज डालना चाहते हैं सलाद में, सैलेड में, तो वो भी आप ले सकते हैं। मूली मुझे मिली नहीं, वरना मैं मूली भी इसमें ऐड करती। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं, यहाँ मैंने प्याज को अच्छी तरह से कट करके और इसका यहाँ पे जो बीच का येलो कलर का पार्ट होता है उसको हमने निकाल दिया है। ऐसे ही टमाटर को धोकर हमने उसको भी यहाँ पे जो ब्लैक से इसका पार्ट होता है वो भी निकाल दिया है। हरी मिर्च भी धो ली है, सब चीज़ को इसको हमने छील लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से कट करना है। तो सबसे पहले मैं प्याज को कट करके दिखा देती हूँ। इसको हमें बहुत मोटा नहीं कट करना है, बहुत पतला पतला इसको हमें कट करना है। तो इस तरह, तो हम प्याज को दिखा दिया है कि इस तरह से कट करना है। अब मैं टमाटर को भी दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें टमाटर को भी कट कर लेना है कि इसमें से हम ऐसे पहले कट कर लेंगे और फिर हमें इस तरह से छोटे छोटा ऐसे कट कर लेना है। उसके बाद हम खीरे को भी दिखा देते हैं कि खीरे को हम पहले हम दो पार्ट में कर लेते हैं। चाहे तो आपकी आप चाहे तो इसके बीज ये जो है वो निकाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं निकालेंगे। और इसको भी हम बहुत महीन सा इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को, सारी वेजीज को हम कट कर लेते हैं, फिर हम आगे आपको दिखाते हैं कि इसको आगे इसमें क्या क्या ऐड करना है। सारी वेजीज को हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें सबसे पहले दो चुटकी सादा नमक मिलाएंगे। दो चुटकी इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि फिर हम इसमें काला नमक भी मिलाएंगे, तो नमक कहीं ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। और ये मेरा चाट मसाला है, तो थोड़ा सा हम चाट मसाला भी ऐड करेंगे, और चाट मसाले में भी नमक होता है। और उसके बाद ये हमारा पुदीना है, तो पुदीना जब सुखाया है हमने और सुखा के से मिक्सर जार में मैंने डाल दिया था, जिससे ये बहुत अच्छा सा महीन सा हो गया है। और वो भी हम इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, इसे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद हम सारी वेजीज़ को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। वेजीज़ आप काट के रख दीजिए और नमक आप उस टाइम पे मिलाइए जब आपको सर्व करना है, क्योंकि नमक बहुत पहले से मिला लेने से ये बिल्कुल भी इसमें पानी पानी हो जाएगा। इसलिए हम इसको जब सर्व करना करें तभी हम इसमें नमक ऐड करें। और चाहे तो अब इसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नींबू ऐड नहीं किया है क्योंकि नींबू मेरे यहाँ कोई ऐसे पसंद नहीं करता है इसलिए। तो चलिए, अब ये बिल्कुल रेडी है, तो मैं इसे डिश आउट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल रेडी हो गई है और देखने में इतनी अच्छी लग रही है और खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। तो इसको हम बिरयानी के साथ या फिर किसी भी दाल के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है। दाल के साथ, सब्ज़ी के साथ, किसी के साथ भी हम इसे खा सकते हैं। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर आप ट्राई करें, और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखते हुए मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।